अगर आज दुष्यंत का स्टेज पर नारा होता ना, अमित शाह के साथ आना होता, तो ये पंडाल के कुर्सी भी भरी और सबके में बाहर का भी पब्लिक होती ट्रैक्टर ट्रेलियों पर। गोहाना जी 5 साल खट्टर जी सीएम है, लोग हंस ला रहे हैं जिला बनाएगा। सीएम है, स्टेट का मालिक है, उसको जिला बना देना चाहिए था। लोगों को झूठी आश्वासन दिलाते हैं, काम नहीं कर रहे। 29 जनवरी को गोहाना में हुई बीजेपी की रैली बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस रैली में एक ओर जहां सरपंचों ने भी हंगामा किया, तो वहीं दूसरी ओर गन्ने का भाव 10 रुपए बढ़ाने पर क्षेत्र के किसानों में भी खासा गुस्सा देखा गया। इस रैली के बाद कई सारे सवाल गहराते नजर आ रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि बीजेपी के राज्य मंत्री अब बीजेपी हाईकमान को रैली में भीड़ कम जुटने बाबत क्या कारण बताएंगे, क्या रिपोर्ट देंगे, जबकि बीजेपी नेता तो रैली से पहले पूरे कॉन्फिडेंस में भीड़ जुटने का दावा करते दिखे थे। सवाल ये भी है कि इस रैली में दुष्यंत चौटाला या फिर जेजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी से भी असर पड़ा है, क्योंकि जेजेपी की भिवानी रैली ने ये साबित किया कि जेजेपी के साथ जुड़े युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है और जिसके सहारे किसी भी रैली का अच्छा मैनेजमेंट आसानी से हो सकता है। तो क्या माना जाए कि जेजेपी से जुड़े यूथ और जेजेपी वर्करों के यहाँ ना होने से भी रैली का रंग फीका पड़ा है? हालांकि सवाल का जवाब हमें अमित शाह की रैली में भी मिला, जब हमें मिला दुष्यंत चौटाला का फैन और उनसे क्या बातचीत हुई, ये आपको सुनाते हैं। अगर आज सच्चाई तो ये है, आपने देखी है कुर्सी बिल्कुल खाली रहेंगी, मैं कहता हूँ ये दाव के साथ कुर्सी नहीं भरेंगी। अगर आज दुष्यंत का स्टेज पर नारा होता ना, अमित शाह के साथ आना होता, तो ये पंडाल के कुर्सी भी भरी और सबके में बाहर का भी पब्लिक होती ट्रैक्टर ट्रेलियों पर। सच्चाई तो ये है, यहाँ नैना चौटाला प्रोग्राम हुआ था इसी मंडी के अंदर, इतनी पब्लिक आई थी एक बहुत गणी। मैं खुद भी ट्रैक्टर ट्रेली भरकर जाता मोहनपुर गाँव से, अगर ये स्टेज पर जननायक तो यहाँ पर ये बताए कि विरोध करने आए हैं? मैं विरोध नहीं करना आया, मैं तो सिर्फ देखने आए हैं। देखने आ गया, विचार सुनने के लिए, अच्छी बात है, लीडर हैं, नेता हैं, कोई वो नहीं बुराई मैं इनकी करे, लेकिन सच्चाई तो ये है न तो किसानों का कोई काम होया। ये कह रहे तब था इच्छा 10 रुपए बढ़ा दे, 10 रुपए में क्या, किसान तो मारा जा रहा है, किसान का तो कोई भी काम नहीं हो लिया। हर जगह किसान धरने देता हूँ, क्यों देता है, अब उसका आवाज नहीं सुनाई जाती। कम से कम 100 रुपए क्विंटल का भाव देना चाहिए था। आज अमित शाह ने घोषणा ये करनी थी, वह किसानों को 100 रुपए क्विंटल आने से पहले ये सूचना आनी चाहिए थी किसानों भाइयों के पास, 100 रुपए क्विंटल का भाव दे दिया, जब तक देख किसान खुश है। 10 रुपए में क्या, 10 रुपए में तो वो लेबर भी काम नहीं करती, लेबर भी आज 40 रुपए क्विंटल के हिसाब से गंडा छोलती है, और इन्होंने खुश कर दिया बोला 10 रुपए क्विंटल, 10 रुपए क्विंटल क्या, फिर आ जाओ रोजगार भाई युवा भाई, तू कोई भी रोजगार नहीं है, कौशल का नाम दे दिया, प्राइवेट लिमिटेड है वो, उस लिमिटेड में 15,000 का रोजगार, 15,000 में आज बच्चों की फीस भी नहीं भरी जाती, घर का खर्च भी नहीं, रसोई का खर्च निकलता तो 15,000 का, सारे जो भी पक्की रोजगार थी नौकरियां थी वो नौकरियां पद खाली पड़े हैं, पद भर नहीं रहे, नौकरियां बिल्कुल खाली, युवा नौजवान साथी वो भटकता फिर रहा, उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा। और गोहाना की 5 साल खट्टर जी सीएम है, लोग हंस ला रहे हैं जिला बनाएगा, सीएम है, स्टेट का मालिक है, उसको जिला बना देना चाहिए था। लोगों को झूठी आश्वासन दिलाते हैं, काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो इसलिए आ गया यहाँ पर, ठीक है हमारे डिप्टी साहब दुष्यंत चौटाला जी उनकी पार्टी में हैं, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि वो काम कराएं, दुष्यंत को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई दुष्यंत चौटाला जी हमने 10 सीट देकर आपको वहां चंडीगढ़ बिठा रखा, लेकिन काम करो जनता को, किसान का 36 बिरादरी का भाईचारा, काम करके दिखाओ, जब तो आगे चुनाव में जीत पाओगे, अगर काम नहीं हो तो नहीं जीत पाओगे। अच्छा दुष्यंत चौटाला अगर गठबंधन तोड़ लेंगे अब तो, क्योंकि 24 तक तो समय है, तो फिर तब आप लोग जो है खुश होंगे जो दुष्यंत के समर्थक रहे हैं? हम तो दुष्यंत के साथ हैं, हमारे तो पहली तो बात देवीलाल के साथ, मेरे बाप दादा देवीलाल की वोट गेट दे पाए, आगे मैं इस बच्चों को भी अपने को ये कहता हूँ, देवीलाल खानदान से स्वाद दूसरी जगह वोट हम कभी भी नहीं डालेंगे, न हमने डाली न आगे बच्चे। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो है जब किसान आंदोलन था, जब भी इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, जब भी वो किसानों के साथ नहीं गए, इसको लेकर नाराजगी नहीं है? नाराजगी तो है, लेकिन फिर वो कुछ हिदायत कुछ काम करवा रहा है, जैसे इंडस्ट्री वो मारुति उद्योग लगवा दिया करकोटा के अंदर, 75% युवा का बच्चा रोजगार के लिए था, गल पास करा दिया उन्होंने, 33% पंचायती चुनाव के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षित करवा दिया उन्होंने, कुछ काम तो कराने लग रहा है, लेकिन सोच उसकी भी है, मैं काम कराऊं, लेकिन एक तो पावरफुल अकेला होता वो काम करता।
तो मेरी तो यही है भाई, 2024 से पहले एक तो बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए होनी चाहिए, क्यों बुढ़ापा पेंशन 3600 को मिलती है पूरे प्रांत को। मुझे ये बताएं कि रैली में जो दुष्यंत के समर्थक जो आप जैसे आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं या ये देखने के लिए कि देखें कि दुष्यंत जिस पार्टी में है वो कर क्या रही है इस तरह से? हाँ, मैं तो पार्टी को देखने के लिए। तो इस रैली के फ्लॉप होने से जहां बीजेपी खुद ही सवालों में घिरी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी साबित हो गया है कि गोहाना क्षेत्र में रैली करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि बीजेपी चाहती तो है हुड्डा की घेराबंदी की जाए, लेकिन अब बीजेपी ही चिंता के घेरे में फंसी नजर आ रही है। क्या इस चिंता को जेजेपी की सहायता लेकर दूर किया जा सकता है? अब सवाल ये भी है कि अमित शाह की अगली रैली जब होगी तो क्या जेजेपी नेता बीजेपी नेताओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखेंगे? अब बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? आपका क्या सोचना है इस पर राय जरूर रखें। जोगर्दे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।